वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और क्यों क्लासिफाई करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन इज वाई ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए और हम उनको एक एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम जो है वो असाइन कर सकें दैट इज़ कॉल्ड टेक्सोनमी बायनोमिल नोम क्लेचर में हम उनके दो नाम या नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू नेम्स द फर्स्ट वन इज कॉल्ड जेनरिक नेम द नेम ऑफ द जीनस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द स्पेसिफिक नेम और द नेम ऑफ स्पीशीज लाइक होमोसेपियंस होमोसेपिय हम ह्यूमंस को कहते हैं ये हमारे पास क्या है एक साइंटिफिक या फिर जोलॉजिकल या फिर बायलोजिकल जो भी आप नाम कहना चाहें है लिनियस जो है ही वॉज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम उस उन्होंने हमारे पास बायनोमियल नोम क्लेचर का जो सिस्टम है वो मुतारफ करवाया और उसी को हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं ही वॉज बॉटनिस्ट एंड ओरिजिनली उसके पास दो किंगडम्स थे किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे या एनिमल्स और प्लांट्स लीनियस का जो सिस्टम है वो एक टेक्सोनिक हरारकी जो है उसको फॉलो करता है और ये हरारिकी को याद रखने के लिए मेमोराइज करने के लिए ये हमारे पास एक एक्टोनिम एक है किंग फिलिप्स केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन के इज फॉर किंगडम पी इज फॉर फाइलम सी इज फॉर क्लास ओ इज फॉर ऑर्डर एफ फॉर फैमिली जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज और एस पी फॉर स्पीशीज तो ये हमेशा ऐसे ही हमारे पास होगी किंगडम सबसे बड़ा हमारे पास ऑर्डर है ये सबसे बड़ा टेक्सोन है इसी तरह हर ऑर्डर को हर एक जो हमारे पास लेवल है उसको हम टेक्सोन के नाम से जानते हैं लीनियस और मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर हम डिफरेंस करने की कोशिश करें तो चंद एक डिफरेंसेस हैं जैसे कि लीनियस सिस्टम जो है वो सिर्फ दो किंगडम्स पर मुश्तमल था और मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास पाँच से छः किंगडम्स जो हैं वो मौजूद हैं लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वाज बेस्ड ऑन फिज़िकल सिमिलैरिटीज़ के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह नज़र आते हैं हमें जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम डी एन ए जुनेटिक्स साइटोलॉजी ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी इंक्लूड करते हैं जो लीनियस का सिस्टम था दैट यूज़ ओनली बॉयोजिट ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बायलोजिस्ट को जो चीज़ें उसके बारे में पता है ऑर्गेनिज्म के बारे में उनकी बेसिस पर ये हमारे पास इस्टेब्लिश हुआ हुआ था जबकि मॉडर्न सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जेनेटिक टेक्निक साइटोलॉजी और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंक्लूड करते हैं म्लैकुलर बायोलॉजी या म्लैकुलर क्लॉक्स उसमें डी एन ए के कितना मौजूद है कितनी क्वान्टिट्टी है ऑल ऑफ दिस स्टफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास यूजली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको फॉलो किया जाता है और फाइव किंगडम्स हमारे पास कौन कौन से किंगडम मॉनरा जिसे हम अक्सर किंगडम प्रोकेरियोटा भी बोलते हैं फंजाए प्रोटेस्ट प्लांट और एनिमल्स सो ओल्ड सिस्टम लम्स ऑल प्रोक्रेटिक स्पीशीज इन वन किंगडम पर अगर हम बात करें न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम की तो हमारे पास पांच या छिफ पांच या छ किंगडम जो है वो मौजूद है सो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कीप्स एनिमल प्लांट, फंग एंड प्रोटेस्ट एंड स्प्लिट मॉनरा इंटू टू किंगडम्स मॉनरा को दो में हम करते हैं यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया एवरी डेथ फाउंड ऑन अर्थ एंड आर की बैक्टीरिया दीज आर द प्रोक्रिय दैट आर ओनली फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन जैसे सॉल्टी लेक्स में या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में बहुत हाई टेम्परेचर पर पाए जाएंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एक्सट्रीम फाइल्स भी कहते हैं दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये थ्री डोमेन्स बन जाती हैं जिसमें यूकेरिया बैक्टीरिया और आर्किया आर्किया में डेफिनेटली आर्किया बैक्टीरिया बैक्टीरिया में हमारे पास यू बैक्टीरिया आते हैं और यू केरिया में हमारे पास बाकी चारों किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे एनिमल प्लांट फंगाई और प्रोटीन सो <laughs> so, ये हम देख सकते हैं लेपर्ड जो है उसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम दी गई दिया हुआ है कि किंगडम दैट इज एनिमेलिया फाइलमेटा क्लास इज मैमिया मीनिंग बिलोंगिंग टू मैमल्स दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी ऑर्डर जो है दैट इज कार्निवोरा फैमिली फिलइडी कैट फैमिली जीनस इज पैंथेरा एंड स्पीशीज इज पैंथेरा पार्डस देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ होमोसेपियंस ये यूजली आपके पास पूछी जाती है तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इसमें ह्यूमन की क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं सो एकदम एनिमेलिया फाइलम कोडाटा सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा क्लास मिया और प्राइमेट फैमिली होमोन आई होमिन जीनस इज होमो एंड स्पीशीज इज होमो स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में एवोल्यूशन में और टेक्सोनोमी में भी जैसे हम हॉर्स की बात करते हैं इट हैज सिक्सटी फोर क्रोमोसोम्स इन अ बॉडी सेल थर्टी टू क्रोमोसोम्स इन अ गैमेट गैमेट में हमेशा हमारे पास आधे क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह डंकी की अगर हम बात करते हैं इट हैज सिक्सटी टू क्रोमोसोम्स इन अ बॉडी सेल एंड थर्टी वन इन अ गैमेट म्यूल म्यूल इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी मेटिंग या फिर आप इसको हाइब्रिड भी कह सकते हैं कि इसमें दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद हैं मेूल में हमारे पास सिक्सटी थ्री क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि ना सिक्सटी फोर नास्टी टू बल्कि थर्टी वन क्रोमोसोम्स आपके पास डंकी से आएंगे और थर्टी टू क्रोमोसोम्स जो है वो आपके पास हॉज से आएंगे एंड इट इज़ नियरली ऑलवेज इनफर्टाइल कि ये फर्टाइल नहीं होता और ये अपनी नस्ल जो है उसको बढ़ाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता स्पीशी की अगर हम तारीफ करें करना चाहें दैट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर केबल ऑफ इंटरब्रीडिंग और ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस लिविंग ऑफ विच दम सेल्व फर्टाइल अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हॉर्स एक अलग स्पीशी है डंकी एक अलग स्पीशी है दैट्स वाई जब ए, इनकी मेटिंग होती है या इनका क्रॉस होता है तो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला म्यूल दैट इज नॉट फर्टाइल ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें हमारे पास प्रोकरियोर्स जिन्हें हम किंगडम मोनोरा भी कहते हैं किंगडम प्रोकर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटोक्टिस्टा भी जिसे कहते हैं किंगडम फंगाई प्लांटे और एनिमेलिया ये हमारे पास पाँच किंगडम्स हैं प्रोकेोट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं प्रोटिस में हमारे पास एल्गी प्लांट लाइक और एनिमल लाइक प्रोटेस होते हैं प्लांट लाइ एनिमल लाइक प्रोटेस जो है उन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं फंगाई में हमारे पास ईस्ट मशरूम मोल्ड वगैरह होते हैं प्लांटे प्लान डेफिनेटली मॉसिस फर्स फ्लॉरिंग प्लाट्स क्वारिफर्स एक्सेट्रा एनिमेलियो में हमारे पास सारे एनिमल्स होंगे जैसे नेमाटोड्स बिल्लियाँ कुत्ते सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास इसमें होंगे प्रोकैरियोट्स के अगर मेन फीचर्स की बात करते हैं तो उनमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता उनके अंदर अगर सेल वॉल मौजूद है तो दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टन जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं इनका साइज यूजली लेस दैन फाइव माइक्रोमीटर होता है यूक्रियोड्स होते हैं हमारे पास प्रोटीस और इनके अंदर सेल्स जो हैं वो यूजली सिंगल सेल्स होते हैं यानी ये मल्टा सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं सिंपल yeah. ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दे ऑफन लिव इन वाटर अगर ये मल्टा सेलुलर होते हैं तो मल्टी सेलुलर कॉलोनी होगी इनकी फंगाई की अगर हम बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो यूक्रियोटिक सेल्स इन्हें हम एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स भी बोलते हैं यानी ऐसे थैलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है so the cell wall is made up of chitin they are saprophytic in nutrition meaning dead and decaying matter ke upar survive karte hain aur multicellular hote hain usually aur inke andar chlorophyll nahi hota to definitely photosynthesis bhi nahi ho payegi plants की अगर हम बात करते हैं तो plants they have chlorophyll और chlorophyll है तो वो फोटोसिंथेसाइज कर सकेंगे इनके अंदर हमारे पास cell wall जो है that is made up of cell wall Oh, sorry cell wall is made up of cellulose and they can store uh, their energy in the form of starch reserve food material is starch eukaryotic cells are there, animals and they are heterotrophic and maybe chlorophyll chlorophyll naota so photosynthesis and they are usually multicellular and no cell wall is present in animals डाइकऑटमिक्स की हमारे पास ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं डाइकऑटमिक्स की आपके पास एक चार्ट होता है जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकता है जैसे अभी हम ये नीचे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो इनको हम देखते हैं कि कैसे क्लासीफाई कर सकेंगे ये हमारे पास एक चार्ट भी दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम क्लासीफाई करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास लॉन्ग टेबुलर ऑब्जेक्ट्स हैं दे विल गो टू नंबर टू यानी लॉन्ग टेबुलर हमारे पास कौन कौन सा इसमें से ये लॉन्ग टेबलर है ये हमारे पास लॉन्ग टेबुलर है और ये लॉन्ग है नंबर टू में चले गए तो हमारे पास ए वाले ऑप्शन देख लेते हैं कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्लास्टिक इसमें से कौन कौन सा है जो प्लास्टिक से बना हुआ है ब्लू से हम इसको लेबल करने कर लेते हैं ये ब्लू सो so, ये वाला हमारे पास प्लास्टिक से बना हुआ है ये वाला भी प्लास्टिक से बना हुआ है देन Which plastic is that? That will go to number three. Going to number three, green and grey. If it is green and grey, then it is highlighter. Which one is highlighter? This one is highlighter. And because it is green and grey, that's it for today. If you have any questions regarding this topic, you can ask the questions in the comment section. And let's see you in the next video. Take care, Allah Hafiz.